बहुत एक्साइटमेंट है. पूजा एंड कुणाल बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, सो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर एंड बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या है, कैसी है, कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में. सो ज़्यादा अच्छे से तब बात कर पाऊँगी जब देख लूँ, बट बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों के लिए एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. ट्रेलर देखूँगा, कितना मज़ा आया आपको ट्रेलर देख के, थोड़ा सा कुछ अगर आप बताएं. बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग है जानना ऐसा है कि क्या है क्या नहीं है, और ज़्यादा थोड़ा एक्साइटमेंट है प्रोजेक्ट को लेके. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस डिफरेंट टैलेंट्स. ऐसा नहीं है कि अगर एक ही पोर्टल है या आपके पास अभी सिर्फ टीवी देखने के लिए है या सिर्फ फिल्म देखने के लिए. आई फील इट्स वेरी नाइस कि पीपल आर कमिंग अप विथ वेब शोज एंड स्मॉल शॉर्ट फिल्म, इवन दे लाइक यू नो लाइक शॉर्ट फिल्म लाइक दिस. सो आई थिंक कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास दिखाने के लिए, और एक्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम करने का मौका मिला. मैंने शॉर्ट फिल्म्स की है, यूट्यूब पे है शॉर्ट फिल्म्स. बट डेफिनेटली अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है वेब शोज़ के लिए या फिर शॉर्ट फिल्म्स इवन, आई एम ऑल रेडी. लाइक मीडियम डजेंट मैटर फॉर मी, वॉट मैटर्स इज गुड वर्क. तो जब अच्छा काम आएगा तो डेफिनेटली. ओके, लुक के बारे में आप थोड़ा बताइए, काफ़ी कूल लुक आप देख रहे, स्क्रीनिंग भर आ रहा है, थोड़ा लुक के बारे में बताइए आपके. सो नथिंग, आई जस्ट वांटेड टू बी कैजुअल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे स्क्रीनिंग पे ऐसे बन ठन के आना था. दिस इज व्हाट आई एम. सो आई थिंक आई वांटेड टू बी रिलैक्स, थोड़ा आराम से. स्क्रीनिंग है, फ्रेंड्स की स्क्रीनिंग है, तो आराम से मूवी देखने वाला फील आना चाहिए ना. रात को मूवी जाते हैं तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं, तो आई थिंक लाइक आई लव स्पोर्ट्स वेयर. सो तो मैं साउथ की एक फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है क्लैब. हॉकी प्लेयर बनी हूँ उसमें, और वो रिलीज़ होगी तेलुगु और तमिल में, और बाकी इधर भी बातें चल रही हैं. लेट्स सी कब होता है, देखते हैं. जी मैं रोज़ देखती हूँ. सो मैं आज से पहले शायद मैंने कोई सीज़न फॉलो नहीं किया होगा इतना, बट मैं रोज़ देखती हूँ. बट आई थिंक थोड़ी लड़ाई झगड़ा इस बार बहुत ज़्यादा है, बट नंबर वन शो हो गया है कलर्स के लिए एंड आई थिंक आई विश देम ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट पर्सन विन. अरे मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि एक पे लगता है हाँ ये सही है, फिर दूसरे पर लगता है ये सही है. सो ऐसा कोई फेवरेट नहीं है मेरा, बट द प्लेयर्स जिनको मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं उनमें से शायद चाहे फ्लिपिंग वो ना मारती हूँ, बट मुझे शहनाज एंटरटेनिंग लगती है, थोड़ा अनोइंग भी लगती है कभी कभी. सो आई थिंक सबका पर्सनालिटी का एक वो है. सो शहनाज अ वेरी गुड कंटेंटर, आसिम बहुत अच्छा खेल रहा है, सिद्धार्थ बहुत अच्छा खेल रहे हैं. तो आई थिंक दीज आर द नेम्स की स्ट्राइक होता है बिग बॉस का, जब 13 का नाम लिया जाएगा तो इन तीनों का नाम तो लिया ही जाएगा. मैंने कभी सोचा नहीं, और जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है, मैं बाहर से बैठ के देखूँ तो आई थिंक वो ज़्यादा बढ़िया है रैदर दैन अंदर जाके उस घर पे रहने के. आई थिंक वो जो एज, जिस एज में है 24-25, आई थिंक दैट्स अ वेरी इनोसेंट एज फॉर हर. मुझे ऐसा लगता है कि, बट हाँ थोड़ा अभी मुझे गेम वाइज लगता है उसको थोड़ा संभल जाना चाहिए, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है. बाकी आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन जो रिफ्लेक्ट करता है. सी वो घर इतना मुश्किल है ना किसी के लिए भी, मुझे ऐसा लगता है वो घर बहुत मुश्किल है. जब आप 3-4 महीना एक घर में रहते हो, आप एक फैमिली की तरह रहते हो, तो आप सोचिए कि जब आप खुद की फैमिली के साथ लड़ झगड़ लेते हैं, तो आई थिंक वो तो सब अननोन पीपल हैं, और अगर बर्तन है घर में तो बजेंगे. तो आई थिंक सबका पर्सनैलिटी किसी ना किसी, आप ज़्यादा टाइम तक फेक नहीं कर सकते, लड़ाइयाँ होती हैं झगड़े होते हैं, तो आई थिंक वही हो रहा है घर में. अरे बाप रे, मैंने नाम लिया शायद सिद्धार्थ, शहनाज एंड आसिम. रिपब्लिक डे के लिए विश दे दीजिए आपके नाम के साथ, और बी फाइव देखिए, शो भी देख लीजिए, ऐसा बोलिए रिपब्लिक डे. तो मेरे सारे देशवासियों को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड प्लीज डी फाइव देखते रहिए और कर्क रोग देखिए. मैंने एक्चुअली कर्क रोग का जो स्क्रिप्ट है मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, सो ऑब्वियसली द एक्साइटमेंट इज़ वेरी वेरी हाई. इनफैक्ट यू कैन हियर द एक्साइटमेंट पीछे में कि लोग कितने एक्साइटेड हैं, और साइलेंस चिल्लाना पड़ रहा है.
ऑब्वियसली फ्रेंड्स की कोई भी होती है यहाँ पर, दे माई फ्रेंड्स आर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स ऑल्सो ऑन दिस शो, एंड सो एज एक एक्टर से जो प्रोड्यूसर की तरफ एक ग्रोथ होती है, विच होपफुली ऑल ऑफ अस विल डू समडे, बिकॉज अभी क्रिएटर का ज़माना है, अभी सिर्फ एक्टर का या सिंगर का वैसा एक टाइम नहीं है. दिस इज़ अ टाइम स्पेशली विद द डिजिटल मीडियम, देर इज़ सो मच मोर देन जस्ट टेलीविजन, देर इज़ सो मच मोर देन जस्ट द फिल्म मीडियम, एंड विच इज़ वाई इट्स एक्साइटिंग की स्टोरीज ऐसी जो है एंड जो आ सकती हैं, एंड ख़ास तौर पर क्योंकि ये कलकत्ता की कहानी, मुझे तो कलकत्ता बहुत पसंद है. आई एम फ्रॉम धनबाद एंड अ लॉट ऑफ चाइनीज पीपल आर फ्रॉम कैलकटा, सो देर इज दिस कनेक्ट विद दैट सिटी. एंड स्क्रिप्ट वाइज आई ऑलरेडी नो काइंड ऑफ वॉट इज हैपनिंग ऑन दिस वन, सो आई नो दैट इट्स अ गुड स्टोरी, एंड उसके बारे में एक्साइटमेंट तो ज़रूर. इट वॉज वेरी डार्क एंड मिस्टीरियस, इट एक्चुअली आई कुड काइंड ऑफ ड्रॉ पैरेलल्स विद कहानी, बिकॉज उसमें भी ऐसा ही था, कलकत्ता की कहानी थी, इट वॉज वेरी मिस्टीरियस, यू डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. देयर इज ऑफ कोर्स द मेडिकल एलिमेंट इन दिस, आई एम अ डेंटिस्ट मायसेल्फ, सो मुझे वो भी देखना है कि हाउ दैट ऑल ऑफ दैट हैज बीन पोर्ट्रेड इन द सीरीज, एंड इट शुड बी वेरी, इट इज, इट हैज ऑलरेडी हैज अ वेरी डार्क फील टू इट, सो आई लाइक, आई मुझे डार्क डिस्टोपियन बहुत अच्छा लगता है. यार अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बहुत दूर है अभी, आई हैव डन समथिंग फॉर हॉटस्टार, बट इट इज़ एटलीस्ट 5 to 6 months अवे, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ किक एस प्रोजेक्ट, इट इज़ अ वॉर बेस्ड प्रोजेक्ट एंड इट्स वेरी 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 कूल. आई थिंक सो, अ लॉट ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट, आई मीन ये बात भी सच है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ कचरा ऑल्सो, बट देर आर अ लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग इन बिटवीन, एंड ये तो हर एक चीज़ की बात होती है कि जितनी सारी मूवीज आती हैं, सॉन्ग्स, सीरीज, नॉट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी ग्रेट, बट एज आई सेड द मीडियम का फ़ायदा ये है कि नाउ देर आर सो मेनी स्टोरीज दैट आर कमिंग आउट जो ना टीवी पे फिट होती है ना मूवीज़ में प्रॉफिटेबल इनफ है. यहाँ पे देर इज़ अ सिस्टम ऑफ, इट मे और मे नॉट बी गेटिंग प्रॉफिट्स, बट इट्स डेफिनेटली गेटिंग आई बॉल्स, एंड स्पेशली व्हेन इट इज सिचुएटेड लोकेटेड इन सर्टेन सिटीज़, उसकी वजह से वो जो एक लोकल कनेक्ट और ज़्यादा होता है, स्पेशली विद द हिंटरलैंड का आजकल जो रूरल स्पेशली जो बहुत चल रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि देर इज़ अ लॉट दैट कैन कनेक्ट विद द व्यूअर्स, डेफिनेटली. थैंक यू. हाँ यार, विश गाना, यार गाने तो वही सेम हो जाते हैं यार, मैं बस विश कर देता हूँ. ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू विश एवरीबडी अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड याद रखिए कि किसी भी जाति, प्रांत, रिलीजन के होने से पहले आप क्या हैं, आप इंडियन हैं. सबको मारो गोली, बस ये याद रखो कि आप इंडियन हैं, एंड यही काफ़ी. थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज कुणाल एंड पूजा देर योर फ्रेंड, आई एम, व्हेन ही मैसेज मी आई सेड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, सो there are two kind of excitement. One, I want to watch the episode, and the second is that, you know, it's their first baby, you know, they are co-producing it, so I'm so happy and I'm really proud of both of them. So if you get a chance to do any of such content, will you be up ahead for it? Yes, I'm an actor, I'm up for any content. It just has to be, you know, it should be worth it. Right now, the way, you know, we watch and we are making all this thing, if it's a good content, you know, it doesn't matter what subject, what it is, it has to be good and realistic. It will work. Sorry? I have just done a short film, I don't know whether I am supposed to say this or not, but for MX with Vikram Bhatt Productions. So, let's see when the release is. क्या, बिकॉज आई दे ओनली नो वॉट दे गोइंग थ्रू इन साइड द हाउस, वॉट इज द मेंटालिटी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हु विल विन एंड हु विल कम इन द फाइनल्स, बट आई थिंक I just want to say hats off to all the people who are there in the house, because it's not easy. 4 months is not easy. Sir, if you have to pick the top three from the house, I think that would be Siddharth, Shehnaz, and I'm confused between Asim and Rashmi, because they both are doing good. But there is a lot of difference between happen Siddharth and Shehnaz Gill. It's, see, it's
like I said, you never know what is happening inside. आप हम एक घंटा देख रहे हैं, बाकी के 23 घंटे क्या हो रहा है, we don't know. So it's very difficult to say कि what is happening. It may be a frustration. It may be something that I have had enough of you. And we all have this kind of behavior. There's nothing different. आपको चांस मिले तो आप जाना चाहेंगे बिग बॉस? मुझे बोलते हैं कि सर आप आ जाओ, but I think I might be good for all this, but I know I will be very bad outside, you know. Because I know I can't take all this. I am also very short tempered, like, you know, I can't take all this. I don't like cameras on my head when I'm waking up. मैं बाथरूम जा रहा हूँ तो कैमरा फॉलो कर रहा है, मैं चाय पीने जा रहा हूँ तो कैमरा फॉलो कर रहा है. आई एम नॉट यूज्ड टू दैट. तो मुझे इरिटेट होता है. उनको कंटेंट मिलेगा पर मेरी इमेज बाहर आई डोंट नो कैसी होगी. थैंक यू, थैंक यू. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरा दोस्त है जो कि फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन में घुस रहा है, कुणाल, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू मी. उसकी पहला प्रोडक्शन है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म. देखते हैं क्या किया फिर. एक्चुअली जैसे मोहित ने कहा, पूजा एंड कुणाल, सो ऑल द बेस्ट टू देम. इट्स देयर फर्स्ट वेंचर एंड जो फर्स्ट होता है हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दोस्त को सपोर्ट करने वहाँ जाए. सो आई एम रियली एक्साइटेड to watch it and because see. Because we worked together as yes, actors and yes. Abhi Kunal aur Pooja ne pehla production. I want to see ki kaise, you know, kaise kiya hai. It's really and nice I when really you progress and do expect a lot of things. All the best to both of them. Aapne trailer dekha, pasand aaya aapko trailer? Ji, bilkul. Very nice it is, very nice. Trailer dekh ke to bahut acha laga, film dekh ke. That's why we've come. Kya aapko sabse zyada pasand aaya? I like the trailer overall and I feel Indraneel has done a good job. Let's see, I want to see his performance also. Big Boss काफी मार्केट आ रहा है. Are you watching Big Boss? I don't. We are not watching. This year I'm not watching. I watch it every year, but this year I haven't got the time only, so I'm not watching. आपके फ्रेंड्स जो इनसाइड है बिग बॉस में जिनको आप अगर आपको मालूम है. रश्मि और विशाल दोनों ही हैं. दोस्त तो सारे हैं पर I don't know, अंदर क्या चल रहा है क्या पता ही नहीं है क्या. पता नहीं क्या हो रहा है. मतलब विशाल तो है ही धमाल पूरा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा. शो व्हाई नॉट, लेट्स सी. डू यू हैव एन अपकमिंग प्रोजेक्ट एज वेल? आई कांट टॉक अबाउट इट. रिपब्लिक डे आ रहा है, कुछ एक विश कर दीजिए आपके फैंस के लिए पूरे देश वासियों के. जी सबको बहुत बहुत मुबारक हो. हैप्पी रिपब्लिक डे. जय हिंद. जय हिंद. थैंक यू. कौन पूछ रहा है? सर आप ट्रेलर देखा होगा, आपको कैसा लगा? थोड़ा सा मुझे आप बताना चाहेंगे? इट्स फैबुलस, बहुत अच्छा है. मेरे दो बहुत करीब के दोस्त हैं, पूजा एंड कुणाल, उन्होंने प्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियसली मैं उनको सपोर्ट करने आया हूँ. आई थिंक दिस इज गोइंग टू डू वेरी वेल. ऐसे यंग यंग टैलेंट, इतना टैलेंट दिखा रहे हैं तो आई थिंक सो. पूरा ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये दोनों एपिसोड बहुत अच्छे हुए हैं. OTT प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आजकल Zee5 लगातार नए नए शो को, नए नए कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स वेरी वेरी नाइस बिकॉज अभी सारा चीज़ डिजिटल और यू नो क्या कहते हैं, सब लोग वेब सीरीज में ज़्यादा जा रहे हैं. इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर लॉट ऑफ एक्टर्स, यू नो, एंड एज इज़ नॉट द बार. आई थिंक सो बहुत से लोगों को काम मिलता है, उनकी टैलेंट उनको देखने को मिलता है. आई थिंक तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी. ओके, ट्रेलर आपने देखा और क्या आपको ज़्यादा? वेल मेरे को इंद्रनील को देखना है. आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट कम्प्लीटली एंड मेरे को थोड़ा बहुत जो समझ में आया, आई थिंक डॉक्टर होती है उसको कैंसर हो जाता है, तो आई थिंक सो इट्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं पूरा देखूँ. और आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दिस गोइंग टू डू वेरी वेल. मेरे लुक के बारे में तो सब बार बार पूछते हैं. ऑब्वियसली अब थिएटर में तो पहन के नहीं आऊँगा ना, तरता पटरता. बट आई थिंक सो आई हैव जस्ट कम टू सपोर्ट माय फ्रेंड्स. ओके सर, जैसे कि बिग बॉस काफी धमाल मचा रहा है इस साल का, और बिग बॉस मेरी फेवरेट शहनाज है एंड आई लव शहनाज. आई ऑल्सो लव आसिम, ही इज डूइंग वेरी वेल. रश्मि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड रश्मि इज़.
तो मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता रहता हूँ। एंड ऑब्वियसली सिद्धार्थ इज देयर, मेरे फोर्थ फेवरेट कंटेस्टेंट्स है। लेकिन सिद्धार्थ और रश्मि जो फाइट हुई थी उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी आई विल बीइंग आई वाज दोनों पहले से, क्योंकि रश्मि आपके, उस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इट्स समथिंग वेरी वेरी पर्सनल यू आस्किंग मी ओवर हियर ऑन दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। But the thing is this, that everybody, Big Boss ka main part reh chuka hu, I know it's a very tough show and like it's, aap sirf 45 minute dekhte hain, hum wahan pe 24 ghante rehte hain, to mujhe pata hai format kya hai show ka, aur obviously jahan 10 log hoenge wahan pe different opinions hoenge. एवरीबडी इज गिविंग कॉम्पिटिशन ईच अदर, सब वहाँ पे जीतने के लिए गए हैं, कोई वहाँ पे दोस्ती बनाने तो गया नहीं है, तो आई थिंक मे द बेस्ट पर्सन विन द शो। अगर मैं स्ट्रेट होता तो मैं उससे शादी कर लेता लाइक दैट यू नो, एंड आई थिंक शी इज़ वेरी क्यूट डे वन से, यू नो उतनी वो क्यूट है और मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं वो, और बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे को दिल में छूते हैं, तो आई थिंक शहनाज की तो इनोसेंस है जैसी वो है, आई थिंक दैट्स हर ब्यूटी। सुधा शादी कभी नहीं करेगा शहनाज, जहाँ तक मेरे को पता है। आई डोंट कमेंट ऑन दैट। ओके सर, आने वाले दिनों में क्या आपके फैशन शो में एक वाइली शहनाज? यस यस डेफिनेटली, वैसे बाहर निकलने दीजिए ना उसको, तो मैं कितना प्रमोट करता हूँ। ओके सलमान खान के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? ओह आई थिंक he is my brother and I love him and I'm very close to Suhail bhaiya and everybody, so I think Salman bhai is like a family to me and I love him immensely and I wish him all the best. Big Boss mein jayenge, kai sare contestants ja rahe hain aajkal, aap mere ko agar channel bulayega to main chala jaunga, you know, jaldi chale jaunga, sabki band bajane hain, sabke secret mere ko pata hai. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं पूजा और कुणाल, जिन्होंने इसको को प्रोड्यूस किया है, एंड हम उनके लिए ये जो सीरीज़ उन्होंने बनाई है हम वो देखने आए हैं, एंड इसके रिव्यूज़ जिन्होंने भी देखे हैं बड़ी तारीफ़ की है, हमने अभी तक नहीं देखा है बिकॉज हमें उनके साथ देखना था बैठ के, एंड जब हमको पता चला कि ये Z5 पे है तो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म एंड वेब सीरीज़ का सीज़न चल रहा है, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि जो सुना है वैसा ही होगा, अच्छा होगा। सो आई हैव नोन पूजा ओनली बिकॉज ऑफ गौरव एंड आई हैव नोन हर सिंस माई मैरिज, सो नोइंग पूजा इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आई नो शी इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी लव्स चैलेंजेस, सो आई गेस इट्स अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हर एंड कुणाल बोर्ड to you know pick up such topic and to experiment and do such a novel thing which I guess no one has done before, so that itself is a very big thing in it, like OTT platform bahut bada hai, so aap kabhi kaam karna chahenge? Actually do teen cheeze hain jo main bol nahi sakta abhi, but jahan tak mera television career raha hai to all my roles have been very different, aur jab main kaam karta hu dikhai deta hu, jab nahi karta then I really go in the back seat and I reinvent myself when I come back, तो ओ टी टी में हैं दो तीन चीज़ें बट आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं सोच रहा था अभी तक सवाल आया क्यों नहीं। हाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है एंड मुझे मज़ा आता है कि पहला सीज़न है जो मैंने फॉलो किया है क्योंकि मेरे पास टाइम था इस बार, एंड मुझे अच्छा लग रहा है और सब टेलीविजन वाले हैं अपने तो अच्छा है। आप लोग इतने सवाल पूछ रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोगों से भी जुड़ा है वो शो। कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है आपके, या आपके कोई फ्रेंड है बिग बॉस के? मैं 60-70% लोगों को जानता हूँ और कईयों के साथ मैंने काम भी किया हुआ है, एंड आई फील मेरे कोई फेवरेट एक नहीं है, बट मुझे लगता है कि शहनाज, आसिम, सिद्धार्थ, आई फील कि इनमें से कोई एक विनर होगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट अब वो बिग बॉस जाने और सलमान खान। सभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये पहला सीज़न है जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, एंड आई थिंक ये मैं नहीं बोल रहा क्योंकि जितनी भी हम लोगों से बात कर रहे हैं सबके एक फ़ैन बेस बन गया है ट्विटर पे उस पर, सो दिस इज़ द फर्स्ट सीज़न वेयर ऑल ऑफ देम हैव अ स्प्लेंडिड बैकिंग फ्रॉम द ऑडियंस, एंड ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, सो आई फील इट्स एनीवनस गेम, बट जो मेरे तीन मुझे लगता है जो टॉप थ्री में होंगे मेरे, वो मुझे लगता है कि वो तीनों। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप कभी जाना चाहोगे?
हाँ आई मीन इट्स अ शो 3 महीने लाइफ के मैं दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. एंड आई फील इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. थोड़ा सा मुझे अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी बीवी बताएगी तो बेहतर है. ये मेरी बीवी के अंदर का गुस्सा था. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी ग्लैड कि ना सिद्धार्थ जैसा आता है ना आसिम जैसा आता है, बिकॉज जैसे वो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ घर में और बाकियों के साथ बिहेव कर रहे हैं, इट इज़ नॉट रियली अ वे एनी वन शुड बिहेव विद एनी वन. सो ऑनेस्टली आई एम ग्लैड दैट माई हस्बैंड, इवन दो ही इज़ अ वेरी एंग्री टेम्परमेंटल काइंड ऑफ पर्सन एंड गुस्सा इनको भी बहुत आता है, बट आई एम ग्लैड दैट ही चूजेज अ वेरी गुड वे to you know express it and not hurt or harm anyone. You know what, honestly speaking amongst everyone मुझे वो दोनों ना मुझे उन दोनों को देख कर ज़्यादा मज़ा आता है. आई डोंट नो वाई, आई मीन आई नो दी ऑडियंस हैव अ प्रेफरेंस ओवर सिद्धार्थ एंड शहनाज, बट ऑनेस्टली फॉर मी आई फाइंड लिटिल फेकनेस इन देयर केमिस्ट्री, जबकि मुझे सिद्धार्थ एंड रश्मि बहुत ज़्यादा रॉ और जेन्यून लगते हैं. तो उनकी जो क्लैशिंग है, उनकी जो लड़ाई है, वो समझ में आती है कि भाई है, वो लोग नाटक नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट अटेंशन और दे वांट फुटेज. सो वो बहुत ज़्यादा ट्रू लगता है इन कंपैरिजन टू अदर्स विच आई फाइंड. बेसिकली मज़ा आ रहा है सबको देख के एंड आई फील शायद एक्सटेंड होने वाला है, मैंने सुना. कैंसिल हो गया. अब ये बता रहे हैं तो होगी. मुझे ये लगता है एज अ कंटेस्टेंट शी इज प्लेइंग अ गेम वेरी वेल. वो सारे दोनों ग्रुप्स में अच्छा है एंड आई फील वो जो भी है आई थिंक इट्स अ गेम और एंटरटेनिंग है. मतलब मेरा एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है मैं 1.5 घंटा जब मैं देख रहा हूँ वो शो तो मुझे एंटरटेन होना है और मुझे कोई उसमें डॉकी ड्रामा नहीं देखना, मुझे एंटरटेन होना है. आप लड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, हंस रहे हो, हंसा रहे हो, इट्स अ एंटरटेनमेंट शो एंड ऑफ द डे. एंड जो भी किरदार वो निभा पाएगा आई फील वो फेवरेट्स में आ जाता है. एंड ये मैं ही नहीं कह रहा, वो तो सलमान सर का भी आपको लगता होगा थोड़ा सा कि आई थिंक सलमान सर इज डूइंग हिज जॉब. इट्स नॉट हिज फॉल्ट. वो जो क्रिएटिव, इट्स नॉट हिज फॉल्ट. आई मतलब वो किरदार निभा रहे हैं और उनको जो दिया जाएगा एग्जैक्टली जो पारस ने लास्ट 2-3 एपिसोड्स में बोला था, विच इज़ आई थिंक इट्स अ फैक्ट ऑफ रियलिटी कि इट्स नॉट सलमान्स फॉल्ट एट ऑल, बिकॉज वॉट इज हैपनिंग इज ही इज बीइंग फेड, ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज डूइंग हिज जॉब. एंड उनकी जगह कोई भी होगा तो वो करेगा. आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक जो भी है दिख रहा है सबको और हमसे ज़्यादा आप लोग को पता है और हम तो नॉर्मल ऑडियंस हैं, आप लोग हैं मीडिया, आपको पता है ज़्यादा. थैंक यू. Unfortunately, I have to rush and I wish them good luck. So, very interesting, but I'm serious. I mean, the first episode about the reveal, but what an intriguing and beautifully shot. Very interesting music also. And just those things are there. राजेश जी हैं, रवीन हैं, फ्रेंड्स. अब देखूंगा सेकंड एपिसोड, आज चिंता नहीं, बट माइल जी फाइव है, कभी भी देख सकता हूँ. मेरा शो भी इसके ऊपर है, मेरे पास है जी फाइव. वेल वॉच इट बिकॉज आई हैव अ हंगर फॉर मिस्ट्रीज एंड यू नो थ्रिलर्स. बड़ा थ्रिलिंग, बड़ा एक आस्पेक्ट, वैसे बड़ा सा एक ट्रामा इमोशनल आस्पेक्ट है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है फिलहाल. पता नहीं लग रहा है क्या है, सो आई वांट टू वॉच द होल सीरीज फॉर दैट. द फिल्म आल्सो डूइंग वेरी वेल, करोड़ों में कमा रही है, 150 करोड़ मेरे को बड़े मिल रहे हैं यार, बट अभी 200 हो गया आज. लोग इतना प्यार मिला, टैक्स फ्री हुआ है हर जगह, उस पर आप हैं, खुशी होती है. मतलब आप मेहनत करते हैं फिर जब उसका उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो खुशी होती है. फिल्म इज डूइंग वेरी वेल, आज 200 हो जाएंगे. सो इट्स अगेन वी हैव
बैक टू बैक टू हाउसफुल के बाद 200 करोड़ की दो फिल्म हो गई बस हो गया लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर एनी एक्टर टू प्ले सच काइंड ऑफ रोल और जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है इस मुझे वो मैंने इमेजिन नहीं किया था वैसे बट थैंक यू टू ऑल जिन्होंने फिल्म देखी और पसंद की फिल्म बहुत अच्छी है जो मैं कह सकता हूँ और जिन लोगों ने मुझे पसंद किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाद एक ओटीटी पे आएगा फिर उसके बाद बुज रिलीज होगी बुज अप्लाई होगा थैंक यू किसने मैं यहाँ क्या बोल दिया था उन्होंने बोला है कि फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है गलत तरीके से उनके किरदार को हिस्ट्री को गलत तरीके से दिखाया गया ये कब हुआ उन्होंने तुम्हारी कसम मैं देखे तुम्हारी कसम कुछ नहीं तुम्हारी कसम नहीं देखा शायद मेरे पीछे हो इंटरनेट के मामले में बट मैं सर दो दिन तीन दिन से बिजी था अपने बीवी के बर्थडे पे तो मैंने बिल्कुल ध्यान और तवज्जो नहीं दिया किसी और चीज़ की तरफ बट आई सी अगर ऐसा कुछ है तो सही होता है बहुत एक्साइटेड हूँ जितना भी मैंने फिल्म को देखा है इसके बारे में साउंड लुक्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग मैंने ट्रेलर देखा है लेकिन मैं यहाँ आज मेरे दोस्तों के लिए आया हूँ कुणाल एंड पूजा दे आर को प्रोड्यूसिंग दिस शो So I'm really excited for them and then we venture. So web series की बात करें कितने excitement लगता होता है आपको web series का अगर आपको मौका मिले या internet के digital platform में आप क्या कहना चाहेंगे? Well, it's a very interesting concept and especially as an artist. आपको एक नया किरदार निभाने मिलता है एंड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेरी सोच में यू कंटिन्यू विद द सेम कैरेक्टर फॉर ईयर्स साल दो साल निकल जाते हैं बट हियर यू गेट टू एक्सपेरिमेंट सो बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी एंड इफ आई लाइक द कॉन्सेप्ट आई डेफिनेटली डू शो लाइक दिस ट्रेलर की बात की जाए ऐसा क्या ज़्यादा आपको पसंद है थोड़ा वो अगर आप कुछ एलैबोरेट करना चाहें तो वेल आई एम रियली प्राउड ऑफ माय फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव ट्राइड समथिंग न्यू आई गेस फॉर द फर्स्ट टाइम और नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड अ मेडिकल थ्रिलर इन इंडिया बिफोर सो आई थिंक दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स अ बिग बॉस काफी धमाल मचा रहा है आई एम वाचिंग योर फ्रेंड्स आपके कोई है थोड़ा अगर आप कुछ करना चाहें Yeah, I have Rashmi is a very good friend. So I do watch Big Boss. कभी कभी कोशिश करता हूँ कि लाइव ना देखूँ क्योंकि वो जिस टाइम पर आता है उस टाइम पर बिग बॉस देख कर सोने का मन नहीं करता जब नींद आती नहीं है तो आई वॉच ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑन जी ओ टी टी प्लेटफॉर्म सो या बिग बॉस इज इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक इंसान की सारी खूबियाँ सारी जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो सामने आती है एंड वही हुआ है रश्मि के साथ भी आई थिंक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ हैव कम ऑडियंस हैव कम टू सी सो एंड दे आर ऑल्सो लाइकिंग हर फॉर इट क्योंकि जितना ह्यूमन टच होगा किसी कैरेक्टर में लोग उतना जुड़ जाते हैं उससे सो आई थिंक रश्मि इज डूइंग वेरी वेल एंड आई होप दैट शी विंस आई विश हर ऑल द बेस्ट जैसे कि आपकी फ्रेंड थी तो क्या आपको मालूम था राहुल दे आर इन बोथ रिलेशनशिप इस तरह की बातें आपको मालूम थी नो नॉट रियली लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं रश्मि ऑल्सो शी इज बिजी इन हर वर्क एंड सबकी एक अपनी लाइफ होती है तो इतना पर्सनल मुझे नहीं लगता कि कोई अंडिल अंडल दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स कोई जाता है सो आई डिडंट रियली नो अबाउट दैट सॉरी नो बात थैंक यू Experience was wonderful. It was amazing. Definitely very challenging. मतलब जैसा कि आप लोगों ने देखा, there are like different layers of this particular character. मतलब वो घर पे कुछ है, मतलब बाहर कुछ है. Because you know, out there in the professional world, she is like acting like a matured person. But in her own zone. She is like you know letting go of all those and she is being her vulnerable self
मुश्किल था बट अगर मुश्किल नहीं हो तो वो मज़ेदार नहीं होगा. It won't be like, you know, exciting. So I'm glad that it was difficult and it made me nervous. And yeah. I was actually, I felt grateful that, you know, this character came my way, it came to me. And I auditioned for it, definitely. The fact that you know, I could play such a such an intense character, and my director, I am very glad that he's very particular about the nuances, and he prefers, like, you know, a certain kind of performance which I am also very comfortable in, like, you know, keeping it as minimal as possible, but also, like, you know, expressing like the most. आप कुछ, मैं कुछ अलग बोलूंगा अच्छे के अलावा, आप खुद बताओ. मैं साथ में खड़ा हूँ, बट मैं साथ में खड़ा हूँ. अभी सेकंड हाफ में किसी इंटेलिजेंट आदमी के साथ बैठना चाहता हूँ, बिकॉज उसको समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर, मतलब बहुत कम ऐसी सीरीज होती है जहाँ पे दिमाग लगता है. और एक कोलकाता वाले ना बंगाली लोगों ने बनाया, मतलब बंगाली जो दिमाग की वो करते हैं ना, अब तो मतलब दिस इज द रीजन. इनफैक्ट आर शो कपल ऑफ मिस्टेक्स ऑन Z5, बट दिस इज गोइंग टू बी द रीजन आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब इन टू इट. उनको पता भी है, मैंने तो सब्सक्राइब नहीं किया, बट आई वांट टू वॉच ऑल 8 एपिसोड्स ऑन इट एंड इट्स ब्यूटीफुल. काफी पावरफुल मैं तो खुद ही एक्टिंग कर रहा हूँ इसमें यार, तो मैं क्या बताऊँ. नहीं तो जो फर्स्ट एपिसोड की जो अच्छा पूछ रहा है क्यों पावरफुल रही, क्वेश्चन क्या है. नहीं पावरफुल तो हाँ, पावरफुल तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट एपिसोड की जो एडिटिंग है वो आगे नॉन लीनियर है, इसकी वजह से क्या होता है लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है कनेक्ट करने में, लेकिन सेकेंड एपिसोड में काफ़ी समझ में आ जाएगा कि कहाँ जा रही है. बट इट्स वेरी नाइसली डायरेक्टेड आई मस्ट से, आई ऑल्सो एक्टेड, और बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है. जैसे एक सीन है जो मैंने बताया अभी, जो एडिट बहुत ही मज़ेदार तरीके से हो रहा है. इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आर न्यू इन दिस, जो अभी तक आई थिंक इंडियन ऑडियंस ने देखी नहीं होगी. और एस्थेटिकली मतलब हिंदी स्पेस को रखते हुए भी, तो पहली बार मैंने दो टेक दिए हैं, मैंने बताया एक हिंदी में एक बंगाली में. ये तो वन टेक आर्टिस्ट है भाई, एक बार बोल दिया देख लेना फिर जो निकल गया वही डायलॉग है, स्क्रिप्ट बाद में चेंज होती है. दिस इज द फर्स्ट टाइम ओनली फॉर Kirk Rogue एंड Z5. आपको हमें है ओटीटी पे है, हम तो ओटीटी हमेशा से ओवर द टॉप थे और अभी ही ओटीटी पे ही रहेंगे हम. अब हमारा मीडियम आ गया है, बताइए डार्लिंग. हम ध्यान ही नहीं देते, यही तो कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हम, और सब कुछ करते हो. एक्सपीरियंस वॉज फाइन, अच्छा स्क्रिप्ट था, काम करने में बहुत मज़ा आया और अच्छे एक्टर्स थे मेरे साथ. इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है, कहानी अच्छी है, रोल अच्छा है, दूसरे लोग अच्छे हैं. समझ में नहीं आ रहा कि जिन लोगों को कैंसर है वो सब क्यों मर रहे हैं इस शो में. नहीं कुछ हाँ, बट द पॉइंट इज कि ये भी नहीं बताना, ये तो बता दिया अभी, बता दिया सस्पेंस इज कि क्यों मर रहे हैं, क्योंकि जिनको कैंसर है वो बेचारे वैसे भी मरने वाले, तो उनको क्यों मारा जा रहा है. आई थिंक दैट्स देखा, नहीं बताना इतनी घंटी है. Let's be the anchors and ask him now. अभी जाकर देखना पड़ेगा कि क्यों. आई मीन पूरे ओके, मीरास क्वेश्चन, वर्कास क्वेश्चन, आर देयर एनी मेकअप सीन्स of mine? Yeah. Watch. What? Dekha. Agar tumhe wo enjoy karna hai to pura subscribe. Okay, wait. Are you the killer? Chala. Watch. Haan, kya tumne to nahi mara sabko? Dekho kya hota hai. Dekhiye. Dekhiye aage kya hota hai. Chalo, thank you guys. Super fun. Maza aa gaya. बड़े अनयूजुअल लगा मुझे, मैंने
इस फॉर्मेट का भी मूवी नहीं देखा पहले, क्या ये एपिसोड नहीं देखा मैंने, और ना इस सब्जेक्ट को भी देखा, तो दैट्स अ बिग प्लस फॉर द प्रोजेक्ट। ये अनयूजुअल भी है, फॉर्मेटिंग भी डिफरेंट है, स्क्रिप्टिंग एक्सलेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू एक्सलेंट है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी। ओके मैम, यहाँ पर कुछ अलग अलग जो फॉर्मेट दिखाए गए वुमेन्स के लोग काफ़ी अलग अलग जो मुद्दे को उठाए गए उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या? मैं फिजिशियन हूँ इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत अंदर से भी समझ रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत एकदम फ्लॉ नहीं है इसके अंदर, मेडिकल थ्रिलर है तो कई जगह सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे फ्लॉज आ जाते हैं, गलतियाँ आ जाती हैं, इसमें नहीं है, तो वेरी हैप्पी अबाउट दैट। प्रोडक्शन वैल्यू इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है। That is the platform for tomorrow. Theater to gaya. Yeah, that's the future. सबने एक एपिसोड देखा, बहुत सराहा, बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, सो आपको कैसा लगा उनसे बात करके, उन लोग का एप्रिशिएशन देखा? मैं तो अभी भी मेरे गूज़बम्स अभी भी हैं, अभी बस निकले हैं जब जब कोई कोई बोल रहा है हमारे ये काम के बारे में, बिकॉज हमने इसको प्रोड्यूस किया है और ऑब्वियसली फैट फिश इज द मेन प्रोड्यूसर, बट या फील्स गुड या बिकॉज एक्टर के साथ साथ एक एज अ प्रोड्यूसर आना लोगों के सामने, और स्पेशली फ्रेंड्स ज़्यादा करके जो एक्टर्स ही हैं, तो उनसे अप्रिसिएशन पाना बहुत अच्छा लगता है, एंड इट्स अ फील गुड फैक्टर फॉर अस, एंड इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ बिग डे फॉर अस, सो यस इट्स नॉट ओनली गुड विशेज, हम आई थिंक हम नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं, जिनको नहीं भी पसंद आया वो भी हमको पता करना है, बिकॉज नाउ वी आर इन टू दिस, सो या वी वॉन्ट टू नो कि यू नो वॉट इज द डिसलाइक एंड लाइक, सो या बट we are feeling absolutely amazing today. Yeah, obviously we, as he said, it's a big day for us and we're pretty nervous. So सबके appreciation ही है जो हमारी इस nervousness को दूर कर सकती है, and as of now obviously एक episode हुआ और सबको बहुत अच्छा लगा है, and most of them जो जाने वाले थे they also waited back to watch the next episode, so I think that is the biggest compliment that we got, कि लोगों को एक episode देख के ऐसा अच्छा लगा कि वो दूसरा देख रहे हैं खुद ही और पसंद कर रहे हैं, सो आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम हैप्पी एंड थैंक्स टू द एंटायर टीम, बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत की है, द डायरेक्टर, द कास्ट, द क्रू, सो या ऑल ऑफ अस हैव वर्क वेरी हार्ड एंड दिस इज द डे दैट वी आर वेटिंग फॉर, सो वी रियली हैप्पी एंड वी आर वेटिंग फॉर मोर फीडबैक्स। बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, सो आप लोगों ने जैसा कि बोला कि आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो क्या थॉट आया था कि हाँ इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करना? ये एक्चुअली कुछ नया, कुछ अलग करना ही था, सो मेडिकल थ्रिलर अब तक नहीं बनी है, सो ये हमारा जो बिगिनिंग है, इट्स वी स्टार्टेड विद दिस, एंड मुझे लगा था कि कुछ नया देखना चाहेंगे लोग, कुछ नया देख के शायद पसंद भी करेंगे, तो वो हो रहा है और मतलब जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ है, सो वी रियली हैप्पी, एंड आल्सो सॉरी, एंड आल्सो बिकॉज़ ये एक इट्स बेस्ड ऑन अ नॉवेल रिटन बाय इंद्रनील, and I don't know his last name, but yeah, his name is Indraneel, not Indraneel Sen Gupta. Yeah, he is so he's a writer, so when you take something from the novel, wo adaptation jab aap lete ho na, to obviously wo bahut hi kya kehte hai, difficult hota hai cheeze, to usko portray karna, use audience ke samne lana, because warna hum actor aur koi jo log dekhte hain ye sab medical sciences aur jo thriller hai wo pakad leta hai, so obviously hum novel ko ध्यान में रखे, उसके कहाँ पे बिट्स एंड पीसेज एवरीथिंग वी हैव गॉन थ्रू दैट, और बहुत सारी आरएनडी हुई है बेसिकली, सो या एंड अच्छा लग रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन चुका है और जी फाइव तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वेल जी फाइव के बारे में ही बोलूँगा, बिकॉज उनका सिर्फ हिंदी नहीं है, उनके बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म लाइक बांग्ला है, जैसे ये बाई लैंग्वेज है, सो उनके लिए भी इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप सिर्फ वेब सीरीज बनाने के लिए बनाओगे तो फिर आप कुछ भी दिखाओगे, बट आई थिंक दे आर रियली डूइंग वेल, एंड दे आर रियली डूइंग वेल बिकॉज दे हैव गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आर सेल्फ कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्स इन आवर बैग, सो या हाँ, तो हमने हमारा जो पहला जो ये दिखाया है, सो इट्स वो एंटरटेनिंग फैक्टर के हिसाब से अगर देखोगे तो नहीं है, बट या इट्स सीरियस, इट्स थ्रिलर,
एंड इट्स बिकॉज इट्स रियल सो उस वजह से आई थिंक दिस इज लाइक ज़ी5 इज द बेस्ट फॉर अस राइट नाउ एंड ज़ी5 इज डूइंग अ लॉट मोर स्टफ लाइक इन टर्म्स ऑफ काफ़ी सारे जॉनर्स के शोज वो कर रहे हैं और काफ़ी सारे सो काफ़ी सारे जॉनर्स के और काफ़ी सारे शोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं सो इवन लाइक जी एज अ प्लेटफॉर्म इज बीइंग एक्सपेरिमेंटल विच इज रियली गेटिंग देम द सक्सेस बिकॉज लोग डरते हैं कुछ नया अटेम्प्ट करने के लिए एंड दे आर रियली डूइंग एंड आई मीन ट्राइंग एंड डूइंग समथिंग न्यू विच इज एक्चुअली लाइक बाय द ऑडियंस सो आई फील दैट दैट्स अ गुड स्टेप बाय देम एज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म बिकॉज इंडिया में लोग कुछ नया करने से डरते हैं कि शायद लोग पसंद ना करें या शायद लोगों को समझ नहीं आए बट वेन आप हिम्मत करते हो और करते हो तो लोगों को अच्छा लगता है दैट फील्स रियली गुड सो आप कितना नर्वस थे पहले अभी भी हूँ इनफैक्ट और मुझे लगता है अभी रहूँगी थोड़े टाइम के लिए नर्वस ओके आप कभी देख सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हाँ जरूर आई होप सून वेरी सून कैमरे के सामने ओके थैंक यू सो मच आई थिंक इट इज़ ब्रिलियंट और जिस तरह वो पूरा थ्रिलर वगैरह आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड वो एक हुक आ गया है कि अब जाके देखूँ कि आगे क्या हो रहा है सो दैट इज़ अ थिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर पूजा एंड कुणाल बिकॉज एट द फर्स्ट थिंग दिस इज सो नाइस एंड टोटली ग्रुपिंग आई थिंक जो हमारा डिजिटल एज है ना वी आर सो लकी कि आज Z5 है एंड नेटफ्लिक्स एंड सो मेनी थिंग्स की बहुत वैरायटी है देखने के लिए एंड व्हेन यू हैव सच गुड शोज दैट कीप्स यू गोइंग बिंज वॉचिंग अपने आप हो जाती है ओके सबसे ज़्यादा क्या ज़्यादा पसंद आया इस वेब सीरीज अगर हम फर्स्ट एपिसोड की बात करें काफ़ी सस्पेंस रहा आपको क्या ज़्यादा पसंद आया आई लाइक द बैकग्राउंड स्कोर एवरीथिंग दैट केप्ट यू ग्रिप्ड और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर आई थिंक सबको देख लेने दो और उनको बोलने दो बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो आई थिंक लेट एवरीवन जस्ट सी इट एंड आई वुड टेल एवरीवन टू वॉच इट एंड टॉक अबाउट इट अदर देन मी गिविंग अ पॉइंट ऑन इट थैंक यू